दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों कल एक पेशेंट आया तो मैंने उसको कहा कि आप आयुर्वेद की तरफ क्यों नहीं आते। तो उसका जो सवाल था मेरे को तो उसका कहना था कि हम आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं मगर हमको एलोपैथी की लत लग चुकी है। जैसे मान के चलो इसके रिजल्ट जो फास्ट नहीं होते, आयुर्वेद जो थोड़ा स्लो है। आयुर्वेद के अंदर भी ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारे योग हैं जो बहुत जल्दी काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं, एलोपैथ से भी फास्ट काम करते हैं। तो ऐसी ही कुछ औषधियाँ मैं आयुर्वेद के साथ एलोपैथ के साथ कंपेयर करूँगा जिसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और शायद कहीं ना कहीं एलोपैथ से भी ज़्यादा है और उनसे भी तेज है। तो ऐसे ही कुछ जानकारियाँ, कुछ योग चुनिंदा चुनिंदा मैं आपको बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे योग हैं, आयुर्वेद भरा पड़ा है। हर आदमी का, हर वैद्य का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना तजुर्बा है, अपना आजमूदा है, मगर मैं कुछ कॉमन सी चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ जो आप एक तरफ एलोपैथी खाएंगे तो दूसरी तरफ आयुर्वेदिक खाएंगे तो एक जैसे रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है कि एलोपैथी से भी तेज रिजल्ट मिले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। बुखार के लिए जैसे आप पैरासीटामोल, नीम सुलाई, डैक्लोफिनेक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं आयुर्वेद के अंदर ग्लोगन बट्टी, महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन बट्टी, संजीवनी बट्टी और अमृता रिष्ट भी हैं। और इसके अलावा आप डायरिया के लिए अगर लोपरामाइड, नोरफ्लॉक्स और निंडाजोल, मेट्रिंडाजोल हैं, तो वहीं आयुर्वेद के अंदर सिंपल सा ही इसबगोल का छिलका, डेस्ट्रॉल टैबलेट, जातीफल वाली बट्टी, बेल का मुरब्बा, बिलवादी बट्टी, बिलवादी चूर्ण ये इस्तेमाल करें। सिर दर्द के लिए डिस्प्रिन, सेरिडॉन, पैरासीटामोल जो और बहुत सारी कॉम्बिनेशन है, वहीं आयुर्वेद के अंदर आप शिशुल दिव्यावज रस, गोदंती भस्म, पथ्य आदि काढ़ा, पथ्य आदि बट्टी ये है, बहुत ही फास्ट रिजल्ट है इसके। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन के लिए एलोपैथी के अंदर डुफालैक है, क्रीमाफिन है, बास्कोडिल है, पिकलिन है, तो वहीं आयुर्वेद के अंदर पंचकार चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला गुग्गल, इसबगोल का छिलका, बहुत सारे